तो अगर परमात्मा हृदय में वास करते तो मैं कहाँ वास कर रहा हूँ, प्रेम सबके लिए एक समान, ऐसा तो मतलब वो तो फिर जागरूक करना पड़ेगा जी। ये हमारे अंदर, जैसे बोलते हैं परमात्मा, कई बार बचपन से सुनते हैं परमात्मा हमारे हृदय में वास करते हैं जी, तो अगर परमात्मा हृदय में वास करते तो मैं कहाँ वास कर रहा हूँ। परमात्मा सब जगह वास करता है, हृदय में भी है, शरीर के कण कण में, केवल हृदय नहीं, शरीर के कण कण में वो शक्ति वास करती है। जैसे नमक पानी में कण कण में है, उसको अलग नहीं किया जा सकता, वो ये नहीं कह सकते कि नमक जो है पानी के निचले हिस्से में ही है, सब जगह है। ठीक उसी प्रकार से जो चेतना है, जो चैतन्य है, वो पूरे शरीर में मौजूद है, शरीर के बाहर भी मौजूद है। क्या हमारे अंदर इनर कनेक्टेडनेस हृदय से शुरू कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो नौसिखिया हूँ, अगर मैं बोलूँ, मैं मतलब हम कितने सारे लोगों की आवाज़ कि, पर जब ये एक छोटी सी बात बचपन में भी सुनी थी कि परमात्मा हृदय में वास करते हैं, तो ये एक चीज़ मुझे ये समझ में आई थी कि हाँ, कि यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ देखिए, हम हृदय से क्यों शुरुआत करते हैं, क्योंकि हृदय हमें प्रेम का अनुभव देता है, और प्रेम अपने आप में एक बहुत प्योर, जिसको कह लीजिए प्योर फीलिंग होती है। हम कहते हैं ना, किसी को प्रेम हो तो बड़ा भाग्यशाली होता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि उस प्रेम को जब आप अनुभव करते हैं, वो एक छोटा सा अंश है उस परम शक्ति के प्रेम का। प्रेम केवल आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ के साथ नहीं, प्रेम मतलब प्रेम प्रेम है, प्रेम, और यही प्रेम विनम्रता है। अच्छा, तो मतलब प्रेम सबके लिए एक समान, ऐसा तो मतलब वो तो फिर जागरूक करना पड़ेगा जी। देखिए, काम तो सबको करना पड़ेगा ना। अब कोई आपको खाना बना के दे सकता है, पर आपको निवाला तोड़ कर खुद ही मुंह में डालना है। तो मुझे एक बात तो इस बात से, आपके सारे वचनों को सुनने से एक बात तो मुझे अच्छी तरह कंठस्थ हो गई है, वो ये है कि आपको 10 मिनट शायद सुबह 10 मिनट रात को सोने से पहले खुद के साथ बैठना पड़ेगा और सांसों पर ध्यान देना पड़ेगा जी।